दोस्तों कुछ ऐसे लीक्स निकल कर आ रहे हैं जहां पर यह समझ में आ रहा है कि विंडोज शायद काम कर रहा है एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो कि उनका सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ विंडोज होगा। यहां पर वो क्रोम ओएस को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि क्रोम काफी ज्यादा सिंपल है विंडोज के मुकाबले में। यहां तक कि आप देखोगे कि कई लोग जो कंप्यूटर ले लेते हैं ना, कंप्यूटर चलाने से पहले वो कोर्स करके आते हैं कि सीखेंगे भैया, क्योंकि उनसे चल ही नहीं रहा उनका घर का कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर लेने से पहले कोर्स कर लेते हैं 2-1 महीने का समझने के लिए कि कैसे ऑपरेट किया जाता है विंडोज को। लेकिन यहां पर इतना कुछ करने के बावजूद भी टेक्निकल डिफिकल्टीज इतनी है विंडोज के अंदर कि उसको एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बंदा भी नहीं समझ पाता है। कई बार कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि समझ से ऊपर होती हैं, जिसके लिए फिर सर्च करता है बंदा कि इसको कैसे सॉल्व करूं। तो उसी चीजों को सिंपल करने के लिए विंडोज 10X के ऊपर काम कर रहा है जो कि क्रोम ओएस को डायरेक्ट टक्कर दे सकता है। सो फाइनली दोस्तों, जिस चीज़ का आप सभी को इंतज़ार था वो हो चुका है। सैमसंग ने अनवील कर दिया अपना S21 सीरीज। तो यहाँ पर वैसे तो इनके लुक्स आ चुके थे रूमर्स के अंदर, लेकिन ऑफिशियली अब इनके लुक्स कुछ इस तरीके के अनवील हुए हैं जो कि कैमरे की तरफ से ही अलग दिखते हैं, सामने से तो एक जैसे ही दिखते हैं। यहाँ पर एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का यूज़ किया गया है, 120Hz से लेकर ये 48Hz तक जा सकता है। जहाँ पर अगर आप S21 Ultra की तरफ जाओगे तो वो 120Hz से लेकर 10Hz तक जा सकता है, मतलब कि और भी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है सबसे महंगे वाला ये मॉडल। लेकिन यहाँ पर फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने की वजह से या फिर एप्पल को कंपटीशन देने की वजह से इन्होंने भी वही कर दिया जो एप्पल ने किया था कि चार्जर और हेडफोन ये नहीं देंगे अपने S21 सीरीज के मोबाइल के साथ में। तो ले रहे हो इतना महंगा मोबाइल तो चार्जर भी अलग से लो और हेडफोन तो सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स आते हैं ना, जो वो मतलब इतना पैसा है तो भाई वो भी लो। और यहाँ पर दोस्तों फिलिप ने अनवील किया है अपना ह्यू मॉड्यूल जो कि $40 का US के अंदर, लेकिन इसका अगर पैक लोगे दो का तो वो आपको सिर्फ $70 के अंदर मिल सकता है। यहाँ पर इसकी खासियत ये होगी कि किसी भी नॉर्मल बल्ब को डिम कर सकता है और उसको एक तरीके से स्मार्ट बल्ब बना देगा, जहाँ पर स्विच के अंदर ही वो कंट्रोल आ जाएंगे। जैसे कि आप अपने मोबाइल से कई सारे आजकल जो बल्ब आते हैं वाईफाई बल्ब वगैरह उनको कंट्रोल करते हैं मोबाइल से, ये स्विच से ही किया जा सकता है डिम वगैरह, वो भी किसी भी बल्ब को। और यहीं पर दोस्तों US के अंदर Xiaomi को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, उसके 10% शेयर गिर चुके हैं क्योंकि नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट ऑफ 1999 के तहत इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, ये कह के कि ये चाइनीज मिलिट्री के लिए भी काम करते हैं। तो ये एक चाइनीज मिलिट्री कंपनी है जहां पर अमेरिकन इन्वेस्टर्स अब इसके अंदर शेयर नहीं खरीद सकते हैं, और इसी के साथ साथ जिन्होंने खरीदे भी हैं उनको बेचने पड़ेंगे। इसी की वजह से Xiaomi को वही झटका लगा है जो हुआवे को लगा था। तो यहाँ पर देखते हैं Xiaomi के साथ में आगे क्या होता है, फिलहाल के लिए तो इनके 10% शेयर गिर चुके हैं इसी ब्लैकलिस्ट में जाने की वजह से। दोस्तों आपने छोटे बच्चों के लिए वो पालने से तो देखे ही होंगे जिनको झुलाते रहते हैं ताकि बच्चा सो जाए, लेकिन अब क्रेडल वाइज नाम की एक कंपनी है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला झूला तैयार कर दिया है जिसमें वो खुद डिटेक्ट कर लेगा कि बच्चा सो रहा है या जाग रहा है, और मतलब बच्चा अगर जाग रहा है तो उसको खुद ब खुद झुलाता रहेगा जब तक वो सो ना जाए, और अगर बच्चा सो गया तो वो स्टॉप कर देगा, और वहीं पर अगर बच्चा दोबारा से उठता है तो वो दोबारा झुलाना शुरू नहीं करेगा। मतलब इतना तो समझदार है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि बच्चा दोबारा से जगाए तो मतलब ठीक है भूख लगी होगी, तो फिर बाद में पेरेंट्स को आवाज़ लगा देगा कि आ जाओ संभाल लो। दोस्तों ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो जो नई नई आ रही है, दरअसल ये CES 2021 की तरफ से ही आ रही है, मतलब वहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है जो कि ऑनलाइन ही हो रहा है। और यहीं पर एक इटालियन स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है फीलो, दुनिया भर में अपने छोटे छोटे बच्चों को एक छोटी सी कुर्सी होती है कार के पीछे लगा दी जाती है ताकि बच्चा उसके अंदर बैठ जाए, और उसमें सीट बेल्ट टाइप का भी कुछ होता है। तो यहीं पर होता ये है कि कई बार लोग अपने बच्चे को ही भूल जाते हैं क्योंकि वो पीछे सो रहा होता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो स्टार्टअप कंपनी है इन्होंने टाटा पैड नाम का एक पैड बनाया जिसपे अगर बच्चा बैठ गया तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि माँ बाप अपने बच्चे को भूल जाएंगे पीछे की सीट पर, क्योंकि दुनिया में ऐसा कई बार हुआ है कि बच्चों को लोग भूल जाते हैं क्योंकि वो सो गया होता है या फिर उनके दिमाग में ही नहीं आता और वो बंद करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से कई बच्चों की जान भी गई है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ये आपके मोबाइल से कनेक्टेड रहेगा, और अगर आप अपने बच्चे को भूल जाओगे कार के अंदर तो ये तुरंत ही नोटिफिकेशन भेज देगा, वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, तो तभी आपको अपनी कार में जाना पड़ेगा और अपने बच्चे को उठाना पड़ेगा। दोस्तों दुनिया के कई हिस्सों के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, खास करके US के अंदर जहां पर माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल ने मिलकर COVID-19 का वैक्सीनेशन कार्ड शुरू कर दिया है लोगों को देना, जिससे कि
ये प्रूव हो जाएगा कि भैया उनको वैक्सीन लग चुकी है, कहीं भी जाते हैं तो सलाई सी मुंह में दे देते हैं, वो उनके साथ में नहीं होगा। ये एक तरीके से कोविड 19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है जो कि बस दिखा डाला तो लाइव झींगा लाला, जहां पर आप एयरपोर्ट में चले जाओ, ट्रेन में कहीं भी घूमने चले जाओ, एक तरीके से आपका एक ऐसा आईडी प्रूफ है जिसको दिखाया तो मतलब कि आपका कोई भी कोविड टेस्ट नहीं होगा क्योंकि आपको वैक्सीन लग चुकी है। और इसी के साथ साथ दोस्तों वायो ने अपने लैपटॉप लॉन्च कर दिए जिनके अंदर उन्होंने AMD Ryzen 5 लगाया और AMD Ryzen 7 मोबाइल प्रोसेसर लगाया है जो कि E15 और SE14 नाम के दो मॉडल हैं। ये करीबन 67,000 से लेकर 85,000 रुपीस के हैं इंडिया के अंदर, जहां पर स्पेसिफिकेशन इनकी कुछ इस तरीके की है। दोस्तों व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में तो आप सभी को मालूम है कि 8 फरवरी करीब आ रही है और यहाँ पर दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज कर दिया गया है। एक दिल्ली बेस्ड एडवोकेट जिनका नाम है चैतन्या रोहिला, उनका कहना है कि ये एक तरीके से अपने यूज़र्स के ऊपर उन्होंने तलवार डाल दी है कि इसको करो या फिर मरो। तो ये एक तरीके से मतलब मोनोपोली है जिसको ख़त्म करना होगा, जिसको यहाँ पर चैलेंज तो किया गया है, देखो क्या होता है। मेरे हिसाब से तो शायद कुछ होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरीके से एक बंदे का प्रोडक्ट है, उसने कहा है भैया यूज़ करना है तो ऐसा कर लो वरना यूज़ मत करो, तो मतलब उसने तो ऑप्शन दे दिया हमें, ज़बरदस्ती तो हमारे साथ की नहीं है। तो इसी वजह से लोग सिग्नल पे जा रहे हैं, टेलीग्राम पे जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कुछ होगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको कोविड के नए स्ट्रेन के बारे में मालूम होगा जिसकी शुरुआत UK के अंदर हुई थी, ये साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और अब रिसेंटली जापान के अंदर भी मिल चुका है, और इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट में तो मिल ही गया था जब UK से पैसेंजर इंडिया या फिर अपनी अपनी कंट्री के अंदर आए थे, लेकिन रिसेंटली जापान के अंदर भी मिला है, जिसकी खासियत ये है कि ये 70% और तेज़ी से फैलता है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली थी।